हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा कस्टम स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 70 प्लेयर ज्वाइन हो चुके हैं। सो आज का मैप है रैंगल। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आज का चिकन डिनर को लेके जाते हैं। ऑलमोस्ट 68 लोग हैं। सो आज के पूरे टीम्स बहुत अच्छे टीम्स है, सब पूरे A1 टीम्स है। सब डेली बेसिस पे रोज डेली जो कस्टम्स हो रहे। लास्ट मैच जीता था टीम नंबर सेवन के जो इनसेन ईशान है, उन्होंने निकाला था कल चिकन डिनर। बहुत अच्छा चिकन डिनर था। लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट कल के मैच का लास्ट पार्ट नहीं आ सका ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ इशू था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टीम नंबर 7 के जो ईशान थे, इनसे निशान यहाँ देख सकते हैं आप, उन्होंने कल चिकन डिनर निकाला था विथ नो हीलिंग्स, विच वॉज वेरी ग्रेट टू सी। सो आज भी देखते हैं आज कौन लेके जाते हैं चिकन डिनर। तो आज का मैप है स्टैलवर टू प्रिमोस का। सो हॉट ड्रॉप से ये स्नैप ओलियाना रोजॉक स्कूल पुचिंकी फेरी पेरी और प्रिमोस का। सो लेट्स सी लोग कहाँ कहाँ जाते। हम स्पेक्टेट कर रहे हैं टीम नंबर 8 को, DMC ड्रैगन की जो टीम है, मुझे लगता है ये लोग मिलता जा रहे। सो लेट्स सी कहाँ बनता है जोन और लोग कैसा कैसा रोटेट करके जोन में आते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द फाइट्स। तो टीम नंबर 23, लेट्स सी कहाँ कहाँ जा गए लोग। टीम नंबर 23 तो भाई बहुत ज़्यादा सेफ चले गए, स्टैलबर्ग के पहाड़ पे भी नहीं, स्टैलबर्ग के कोने में चले गए। टीम नंबर 10 है स्टैलबर्ग पर, टीम नंबर 2 है यसनाया पे, टीम नंबर 16 भी यसनाया पर है। तो यहाँ पर अली फाइट देख सकते हैं। टीम नंबर 22 आई है शवरनी। टीम नंबर 18 आई थिंक शूटिंग रेंज या शवरनी के बीचों बीच कहीं जा रहे हैं वो। टीम नंबर 21 गई है रोजॉक। टीम नंबर 1 जॉर्ज अपल साइड, टीम नंबर 11 जॉर्ज अपल साइड, टीम नंबर 23 घटका, टीम नंबर 14 तो बहुत सेफ है प्रिमोस का गए ये लोग, और टीम नंबर 15 गई है ये मिलिट्री बेस। और फर्स्ट जोन बना है इंक, फर्स्ट जोन में है रोजॉक स्कूल पुचिंग की मिलिट्री बेस मिल्टा यसनापोलियाना। तो बाकी के जितने भी स्क्वाड जो ये सर्कल के पाए हुए उनको रोटेट करके आना होगा सर्कल के अंदर। अभी टीम नंबर 8 जिस जगह उतरी है उसके पीछे ही है टीम नंबर 6, अगर ओपन में है तो नॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं टीम नंबर 8 के प्लेयर्स मिल्टा, आराम से लूट कर सकते हैं और 2-3 जोन तक आराम से बैठ सकते हैं ये लोग। सो टीम नंबर 1 बोट लेके कहाँ जा रही है भाई। टीम नंबर 1 बोट लेके जा रही है जॉर्ज अपल साइड, और टीम नंबर 11 ऑलरेडी वहाँ पर जा चुकी है। टीम नंबर 2 है यसनापोलियाना में, और टीम नंबर 2 के पास है टीम नंबर 16। तो अर्ली फाइट देख सकते हैं। टीम नंबर 2 के सिर्फ 2 प्लेयर्स है। टीम नंबर 4 को देखते हैं कहाँ पर गई है। टीम नंबर 4 है स्कूल अपार्टमेंट्स में, अभी तो आराम से लूट सकते हैं। टीम नंबर 5 आई है, टीम नंबर 5 जा रही है फार्म के तरफ, और टीम नंबर 5 के बाद है टीम नंबर 6। टीम नंबर 6 है ओपन में, अभी कहीं पर भी नहीं है ये लोग। टीम नंबर 24 के पास जा रहे हैं विच इज़ फार्म। टीम नंबर 24 के प्लेयर्स को गन भी मिल चुकी होगी। टीम नंबर 6 के पास कुछ ज़्यादा लूट नहीं है। तो यहाँ पर अर्ली फाइट देखने को मिल सकती है, स्प्रे तो हो रहा है। अगर नॉक करते एक आध को तो रश करके पूरी स्क्वाड को खा सकती है टीम नंबर 6 को। और यहाँ पर ऑक टीम नंबर 24 के एक प्लेयर को डाउन किया यहाँ पर, और यहाँ पर फिनिश भी कंट्रैक्ट देखते हैं। ऑक्टो केओ को मारा है यहाँ पर पिस्टल से, शॉटगन से नॉक किया और पिस्टल से मार चुके हैं। अब टीम नंबर 24 के सिर्फ 3 प्लेयर बाकी है।
टीम नंबर 26 के चार के चार प्लेयर है, लेकिन एक ही वेयर हाउस में उन लोगों को कैम्प करना होगा। अगर वेट करते, अगर ओपन में आते हैं तो, अगर टीम नंबर 24 के पास अच्छी गन्स है तो स्प्रे करके नॉक कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अभी तो टीम नंबर 24 यहाँ पर से निकल रही है, ये मिल्टा जा रही है मुझे लगता है, लेकिन मिल्टा पे ऑलरेडी है टीम नंबर 8 विच इज़ नॉट गुड फॉर टीम नंबर 24। और टीम नंबर 7 में एक नए प्लेयर इंक्लूड हुए विच इज़ अल्ट्रा जोकर, दो प्लेयर नए इंक्लूड हुए, अल्ट्रा जोकर और लेजेंड। टीम नंबर 7 आई है नोवो, आराम से लूट कर कर, आराम से जितनी चाहिए उतनी लूट कर कर आराम से ये लोग चिकन डिनर निकाल सकते हैं। अभी तो कोई फाइट्स नहीं है इनके पास, बहुत सेफ है एकदम, लेकिन लास्ट में एट लास्ट ब्रिज कैम मिल सकती है जब जोन में जाना होगा। टीम नंबर 8 के पास टीम नंबर 24 आ चुकी है। टीम नंबर 24 के जो मोहम्मद इरफान है वो आइजियन और सरफराज के बीच में सैंडविच बन चुके हैं, यहाँ पर अब तक मालूम हो गया होगा। डीएमसी ड्रैगन वहाँ से पीक ले रहे, उन लोगों को पता हो चुका है कि कोई एनिमी आ चुका है, तो लेट्स सी। ऑलरेडी सिर्फ एक प्लेयर उनका ऑलरेडी मर चुका है टीम नंबर 24 का, यहाँ पर वारडॉन ने वेंकेज को नॉक किया है। वारडॉन लास्ट मैच में भी ये बहुत अच्छा खेले थे, और सरफराज का बहुत अच्छा नेट आते हुए यहाँ पर मोहम्मद आमिर जो थे उनको नॉक कर चुके, तो यहाँ पर रश कर सकते, यहाँ पर फिनिश किया मोहम्मद इरफान को, मार्शल किंग का सपोर्ट आते हुए यहाँ पर से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे होते गए इसके, सरफराज थोड़ा सा थोड़ी उनके एचपी जाते हुए, ऑक्टो आमिर के ऊपर नेट आया है मार्शल किंग का। मोहम्मद आमिर और ऑक्टो आमिर दो प्लेयर है कैम करके बैठे, मार्शल किंग और डीएमसी ड्रैगन दो है, और ये बहुत अच्छा नॉक यहाँ डीएमसी ड्रैगन के जो प्लेयर है उनके पास है शॉर्ट गन। ऑक्टो आमिर नॉक होते हुए आइगियन ने पूरी स्क्वाड को फिनिश किया, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर मर चुके हैं मार्शल किंग, डीएमसी ड्रैगन के पास गन नहीं थी इसलिए उनके टीममेट को बचा नहीं सके, विच इज़ बैड। और एसआर के सरफराज को भी रिवाइव देना पड़ेगा, वारडॉन ने नॉक किया एहतशाम को। वारडॉन लास्ट मैच में भी सोलो वर्सेस स्क्वाड इतना ज़बरदस्त किए थे, वो सोलो वर्सेस स्क्वाड में लास्ट जोन में अच्छा किए, पूरी स्क्वाड को ले गए, लेकिन लास्ट में जो ईशान का जो वर्क था बहुत अच्छा खेले वो लास्ट मैच में, उनको बिना हीलिंग्स पे नेट किया, उनको थोड़ा सा डैमेज दिया, फिर DP28 से पूरा स्प्रे करके उनको नॉक करके खा गए। अब यहाँ टीम नंबर 10 के भी प्लेयर्स है यहाँ पर टीम नंबर 16 के पास, सो देखना होगा। शील्ड शेक ने डॉन के एपेक्स तहा को, IB नेक्सस P1 HP ऑलमोस्ट लेके यहाँ पर फिनिश करेंगे, यहाँ पर लक्की को शील्ड शेक भी फिनिश होते हुए यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा, यहाँ पर PP19 से करते हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं, यहाँ पर पूरी स्क्वाड जा चुकी है, वैनिश हो चुकी है। वारडॉन ने फिर से स्नाइपर ओपी को नॉक किया है, ओपी को नॉक किया है और मुझे लगता है किल भी कर चुके हैं, नेट अच्छा था लेकिन इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, स्नाइपर खाजा बचे हुए खाली स्कॉट में, इस नेट से कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रेंजर यहाँ पर जैदो नॉक होते हुए स्नाइपर इमो के तरफ से, स्नाइपर खाजा बाहर आते हुए लेकिन स्ट्रेंजर नीचे ही है, स्ट्रेंजर ने साफ पर स्नाइपर खाजा को नॉक किया, 1 HP है वो, एकदम उनको हील करना होगा पहले। स्नाइपर इमो है सामने के कंपार्टमेंट में, सामने कंपार्टमेंट में, लेट्स सी क्या होगा। अभी वो एक प्लेयर बचे हुए, वारडॉन ने स्नाइपर इमो को भी मार दिया, वारडॉन बहुत ज़बरदस्त कर रहे भाई, अब तक 4 किल्स निकाल चुके हैं अपनी स्क्वाड के, 6 अपनी टीम किल्स हैं उनके 6,
सो बहुत अच्छी पोजीशन में अभी भी स्टार्टिंग से इजली कर रहे हैं। टीम नंबर वन के जो जीशान इंडियन हैं वो लोग सब लोग आए हैं जॉर्जा पुल सिटी साइड, तो इन लोगों को लूट कर जल्द से जल्द जोन में आना होगा। ईशान उन लोगों की स्क्वाड टीम नंबर 7 ने मंगाया है फ्लेयर, तो क्या गन्स है इनके पास, तो कुछ नहीं। इनके पास है लेजेंड के पास है AWM विथ 3X स्लॉट, आर्मर, हेलमेट, सब कुछ। RDX शास के पास M2 M416 और 1M। सो ये यहाँ से निकलने की सोच रहे होंगे। टीम नंबर 11 है क्लॉ स्क्वाड जो है वो है पोचिंग की साइड। पोचिंग की में अगर वो लोग जाते हैं तो टीम नंबर 25 मिलेगी उनको। टीम नंबर 25 के दो प्लेयर्स हैं, किंग मेराज और अयान खान, जो दो लोग हैं वो लोग मिल सकते हैं। ये वाले स्क्वाड उस पे है, यहाँ पर कैम्प कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ये लोग कैम्प कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कैम्प करने से कुछ नहीं होगा भाई। अब स्टार्टिंग से आप अगर किल्स निकालते रहे तो लास्ट तक भी आप चिकन डिनर मारने के काबिल हो गए। जितना कैम्प करोगे, जब बंदा आता है, एक बात बोलता हूँ, अगर आप कैम्प कर रहे हो एक घर में, एक कंपार्टमेंट में, आप कैम्प करते करते आप जस्ट बैठे हुए हो, तो एकदम अगर जब बंदे रश करते हैं, जो टेंशन जब आपको होती है, तो आपके वो टाइम पे आप गलती करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो गलती से आप ऑब्वियसली जीत तो नहीं सकते, सामने वाले बंदे को नहीं मार सकते, तो ऑब्वियसली आप लोग ही मरोगे। तो स्टार्टिंग से अगर अपन किल्स निकालते रहे तो इट विल बी गुड टू, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं चिकन डिनर निकालने के। टीम नंबर 18 कहाँ पर गई है, ब्रूटल हेल, ये लोग है रोजॉक के तरफ, रोजॉक की तरफ नहीं, ये कहीं कहाँ लूट रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ओपन में लूट रहे हैं, जो छोटे दो तीन घर होते हैं वो वहाँ पर लूट रहे हैं ये लोग। ओके, टीम नंबर 20 कहाँ पर है, टीम नंबर 20 है स्कूल अपार्टमेंट्स में, और इन लोगों के पास था ड्रॉप और यहाँ जम लिक्स क्या नाम है भाई ये, तो उनके पास है M249 द बेस्ट, लेके घुसिए, स्प्रे करिए, प्री फायर दे देते घुसिए, पूरी स्क्वाड को खा सकते हैं आप। M249 के साथ कैम्प करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई। यहाँ पर जोन बना है विच इज स्ट्रेंज टू सी दैट ब्रिज कैंप और मिलिट्री बेस की तरफ जोन बन चुका है ऑल द वे। सो टीम नंबर 20 और टीम नंबर 21 के बीच में फाइट हो रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या है, नीचे कूदेंगे। टीम नंबर 20 के जो जम लिख है, नीचे कूदना चाहिए था भाई, नीचे कूदिए, पुरंग मारिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर रश कर चुके हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं, अभी आप नीचे कूदे, यहाँ पर थोड़ा टिपी पी ले रहे, यहाँ लेफ्ट से प्लेयर आ चुका है अपेक्स आके, और यहाँ पर नॉक होते हुए M249 रख के भी यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उनको, लेकिन यहाँ पर बेकार का दूसरों को M249 दे देंगे। अगर आप स्टार्टिंग में जब गाड़ी आ रही है, तो जब अगर आप नीचे कूद के कर उनको फायर देते हैं तो जब कुछ मज़ा आएगा। आप टीम नंबर 21 जब नीचे कूद, अच्छा नीचे सेटल हो चुकी है, फिर आप जब उनको मार रहे हैं तो जब नीचे कूद कर कुछ कर, ए बी नेक्सस ने अपने आप को नॉक किया है यहाँ पर। आई बी नेक्सस यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है टीम नंबर 20। तो बहुत अच्छा क्लस्टर टीम नंबर 21 का। तो जोन की बात करते हैं, मिलिट्री बेस की तरफ है, तो जो यसना पलियाना रोजॉक के साइड गए थे वो लोग को आना होगा जोन में। और एक इंटरेस्टिंग थिंग, टीम नंबर 7 कर रही है ब्रिज कैंप विथ AWM विच इज़ वेरी गुड टू सी। ब्रिज कैम्प नहीं करी है ये लोग ब्रिज कैम्प कर सकते थे, नहीं ये लोग ब्रिज कैम्प ही कर रहे हैं, सॉरी। ब्रिज कैम्प
नहीं कर रहे, लोग ब्रिज कैम कर सकते हैं। अगर ब्रिज कैम करोगे तो टीम नंबर 8 बिल्कुल सामने है, और टीम नंबर 18 भी ब्रिज क्रॉस करने की ट्राई करिए। टीम नंबर 8 और टीम नंबर 18 के बीच में फाइट हो सकती है। ये अपार्टमेंट में जो 2 स्टोरीड अपार्टमेंट रहता है, वहाँ पर ये लोग वेट कर रहे हैं बंदों का। ये इन लोगों की हमेशा से अच्छी स्ट्रेटजी है, 2 प्लेयर्स अलग अलग करते हैं, 2 प्लेयर्स अलग, 2 प्लेयर्स अलग, विच इज़ गुड टू सी। टीम नंबर 8 को देखते हैं। टीम नंबर 8 के जो 2 प्लेयर्स, एक प्लेयर ऑलरेडी मार्शल किंग, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। टीम नंबर 5 आ रही है, आइगियन की तरफ से क्या स्प्रे करेंगे वो, नई चिप देखेंगे। थोड़ा सा डैमेज दिया और कुछ नहीं। ये सामने पेट्रोल पंप पे रुके हैं टीम नंबर 5 के प्लेयर्स, सो यहाँ पर फाइट हो सकती है। क्लॉ वेनम ने भी एक को नॉक किया था। टीम नंबर 15 से फाइट हो रही है इनकी। लेजेंड कुछ सूफी को नॉक किया यहाँ पर। जीशान ने नॉक किया है यहाँ पर पूरी स्क्वाड को खाते हुए, यहाँ पर टीम नंबर 14, विच इज़ स्ट्रेंज। तो उसी गाड़ी से आ रहे थे वो, सब लोगों को मार दिए। जीशान ने आज 2 किल निकाल चुके हैं। स्कैम ने नॉक किया लेजेंड सूफी को फिर से। लेजेंड सूफी फिर से नॉक होते हुए, यहाँ पर फाइट हो रही है। ये पुश कर चुके हैं, वेयर हाउस के अंदर है। 3 प्लेयर है TPP लेके बैठे हुए। तो ये साइड है ऋत्विक रेड्डी, यहाँ पर फिनिश कर देंगे लेजेंड सूफी को। टीम नंबर 11 के एक ही प्लेयर बाकी है भाई, 3 प्लेयर्स हो के क्या कर रहे हो, एक एक प्लेयर को क्यों गवा रहे हो। यहाँ पर TPP लेके है, बहुत अच्छा स्प्रे, एक और एक को नॉक करते हुए यहाँ पर, लेकिन फिनिश हो जाएंगे। अच्छी कोशिश थी, अच्छा खेले टीम नंबर 11 के जो प्लेयर थे, वेल ट्राई। सो लेट्स सी दूसरे टीम्स क्या कर रहे हैं। टीम नंबर 11 के पास थी, टीम नंबर 8 के पास थी, टीम नंबर कौन सी टीम है, टीम नंबर 21 आ चुकी है टीम नंबर 8 के पास। तो यहाँ पर फाइट हो सकती है। DMC ड्रैगन नॉक होते हुए IB नेक्सस से, SR के सरफराज नॉक होते हुए, सरफराज फिनिश भी हो जाएंगे। आइगियन एक ही वन मैन स्टैंडिंग अलोन विच इज़ फार, यहाँ पर DMC ड्रैगन भी फिनिश हो जाएगा। आइगियन यहाँ पर छोटी सी रिच के पीछे, ये नहीं है छोटे से शैक के अंदर है। आइगियन ने ऐसी इसको नॉक किया है, नॉक करके फिनिश भी कर दिया है। आइगियन यहाँ पर थोड़ा सा सेव करते हुए, टीम नंबर 21 के जो प्लेयर्स है वो पुश कर सकते हैं। टीम नंबर 16 जा रही है रिच कैम के, और टीम नंबर 5 रुकी हुई है पेट्रोल पंप साइड। टीम नंबर 21 के स्लेयर अदनान जो है वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम नंबर 5 आती हुई, टीम नंबर 5 के दोनों प्लेयर को मार चुके हैं आइगियन, बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। टीम नंबर 5 के जो 2 प्लेयर्स थे एकदम रुके और यहाँ पर दोनों को मार दिया है आइगियन ने। थोड़ा सा फॉल बैक ले रहे हैं टीम नंबर 21 के प्लेयर्स, यहाँ पर पुश करते हुए ये फॉल बैक लेते हुए स्लेयर अदनान, वो लोग सब पुश कर दिए। यहाँ पर हील करेंगे रिच पे रुके, उनको पता भी नहीं होगा, वो आप कंपाउंड में ढूंढते बैठेंगे। अगर ये थोड़ा ओपन में आते हैं टीम नंबर 21 के कट कर रखो, अगर नॉक करते आइगियन तो लेट्स सी क्या होता है। रिच पे रिच का सपोर्ट तो है, नेट किया आइगियन ने, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। हील करना चाहिए, हीलिंग फर्स्ट, अगर हीलिंग करते हैं तो मज़ा आएगा। अल्ट्रा जोकर ने नॉक किया है यहाँ पर वार्डॉन को, और अल्ट्रा जोकर ने वार्डॉन को फिनिश भी कर दिया है। दो किस निकाल चुके हैं यहाँ पर अपने स्क्वाड के वास्ते, अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर ब्रिज कैम करने के वास्ते, सोच रहे हैं। यहाँ पर टीम नंबर 7 आइगियन को देखते हैं, 4 किस निकाल चुके हैं अब तक, फॉल बैक पे फॉल बैक ले रहे हैं, ये गाड़ी से बाहर फॉल बैक ले चुके हैं। टीम नंबर 8 के आइकन एट लास्ट फिनिश हो चुके हैं। टीम नंबर 14 जा रही है, टीम नंबर 14 आ रही है मिलिट्री बेस की तरफ आ गई है, ब्रिज कैंप से बच चुकी है। यहाँ पर पूरी स्क्वाड को खा चुकी है टीम नंबर 7 के पास आती है टीम नंबर 14।
इस विल भी इंटरेस्टिंग टू सी। लेजेंड के पास आ चुकी है टीम नंबर 14 सामने के कंपाउंड में, और इनके पास है AWM। लेट्स सी कितने को नॉक करते हैं, एक के बाद एक नॉक करते जाओ भाई। ये एक पहला नॉक बहुत हार्ड, ओपी जीजी। ये यहाँ पर रुकने से अच्छा इनके टीम में डायरेक्ट पुश कर सकते थे, एक प्लेयर नॉक है वहाँ पर, डायरेक्ट अगर गाड़ी लेके पुश कर सकते थे जो इनके प्लेयर्स आए अभी। बहुत ओपी स्प्रे था आरडीएक्स चार्ज की तरफ से, और यहाँ पर एक को नॉक करते हुए और यहाँ पर पुश करेंगे ऑल द वे, यहाँ पर नेट्स करते हुए, लेकिन यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा मुझे लगता है। नेट्स ऑलमोस्ट आ तो रहे, यहाँ पर आरडीएक्स चार्ज का नेट करते हुए आगे बढ़े कि नेट से क्या होगा, थोड़ा सा डैमेज होगा जीशान को, बस और कुछ नहीं। रिवाइव मिल चुका है, बस्टर जो राइट लेफ्ट साइड आ चुके हैं पर ऑफलाइन करके, ये लोग थोड़ा फॉल बैक ले चुके हैं, कंपाउंड चले गए MHB ने, जीशान इंडिया और पीछे से थी टीम नंबर 1 ने थर्ड पार्टी करने की सोची है, लेकिन जीशान इंडियन को नॉक कर दिया यहाँ पर MHB ने। स्लेयर खान ने यहाँ पर नॉक किया है बादशाह को, बादशाह ने यहाँ फिनिश किया यहाँ पर दूसरों को, अल्ट्रा जोकर ने MHB को नॉक किया यहाँ पर। टीम नंबर 1 भी है पीछे भाई, मत भूलो टीम नंबर 1 भी थर्ड पार्टी करने, और शॉर्ट बस्टर का बहुत अच्छा नेट RDX चार्ज को नॉक करते हुए, लेकिन शॉर्ट बस्टर SOT पस्टर भी नॉक हो चुके, अल्ट्रा जोकर और यार रो राजू को भी नॉक करते हुए, एक ही प्लेयर स्टैंडिंग अलोन विच इज जीशान। लेट्स सी ये लास्ट मेंबर है MHB, और यहाँ पर पूरी स्क्वाड को 1 vs स्क्वाड कर चुके अल्ट्रा जोकर, विच इज वेरी गुड टू सी। 6 kills निकाल चुके अपनी स्क्वाड के वास्ते, लेकिन टीम नंबर 1 भी है ऊपर रीच के ऊपर पहाड़ के ऊपर। सो लेट्स सी ओपन में लूटना अगर अच्छा नहीं होगा, देख स्प्रे आ रहा है, स्प्रे आ रहा है ऑलमोस्ट 1 HP RDX शास ऊपर है पूरे टीम नंबर 1 के पूरे प्लेयर्स, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। टीम नंबर 18 आ चुकी है जोन के बाहर है, टीम नंबर 15 है उन लोगों के पास, टीम नंबर 21 है पीछे की तरफ। ये ब्रिज कैम्प तो बहुत तगड़ा वाला है भाई, थंडर SK ने नॉक किया है VSS से ईशान को विच वॉज वेरी स्ट्रेंज टू सी, अब तक भी VSS यूज़ कर रहे हैं भाई। लेजेंड एक्स ने AWM से जैम जगुआर को नॉक कर दिया है, 2 ब्यूटीफुल हेडशॉट देख चुके हैं हम लेजेंड की तरफ से। ये रिच का सपोर्ट है, कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर एक और एक स्क्वाड तो नहीं आई है टीम नंबर 1 को फिनिश कर सकते हैं। टीम नंबर 15 आ रही है इस ब्रिज पे से, लेकिन कोई नहीं मिलेंगे। टीम नंबर 7 है यहाँ पर रुकना, ये रुक रहे हैं क्यों रुक रहे हैं नहीं पता। टीम नंबर 7 है सामने जाते है कि अब तक टीम 21 अलाइव है यहाँ पर स्प्रे करते हुए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं, सिर्फ 2-3 प्लेयर बाकी है लेजेंड के। 4 kills निकाल चुके हैं अपनी टीम के वास्ते अब तक, टीम के से 4, और यहाँ पर M24 है लेजेंड जैदी के पास। टीम नंबर 2 हील कर रही है, अभी इनको जोन में आना होगा, जोन के बाहर है। अब टीम नंबर 21 भी आ रही है ब्रिज पे से, अभी नेक्सस ने 6 kills निकाल चुके हैं भाई, अभी नेक्सस बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये लोग भी, इनकी स्क्वाड भी अच्छा खेल रही है, और ये प्लेयर जो है अभी नेक्सस बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं टीम किल से 15 भाई, सुन सकते हो 15 विच इज़ वेरी, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। टीम नंबर 7 की तरफ थे एपेक्स था, अल्ट्रा जोकर ने क्या भाई पूरा खेलने का मतलब ही बिगाड़ दिया यहाँ पर। आईबी नेक्सस भी पूरी स्क्वाड बहुत अच्छा भाई, क्या खेल रही है यहाँ पर टीम नंबर 7। हम कह रहे थे कि आईबी नेक्सस की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रही थी, लेकिन ब्रिज पे से आते कि यहाँ पर जोकर ने फिर से स्कैम कर दिया है भाई सब लोगों को।
10 किले गवा चुके हैं भाई लोग, टीम नंबर 7 और फिर से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं। और M249 वगैरह भी मिल जाएगी कॉम्बिनेशन पूरा होते हुए, M249 प्लस AWM टीम नंबर 1 वहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रही है टीम नंबर 7 को, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेजेंड ने नॉक किया यहाँ पर टीम नंबर 1 को, टीम नंबर 1 के अल्ताफ किंग को। अयान खान ने सरकास्टिक हल को मारा है यहाँ पर, किंग मेराज ने ब्रूटल हल को नॉक किया यहाँ पर, और यहाँ पर फिनिश भी करेंगे। 3 किल निकाल चुके हैं और यहाँ पर पूरी टीम को मार दिया। टीम नंबर 25 के 2 प्लेयर्स थे, विच इज़ गुड टू सी। टीम नंबर 2 है यहाँ पर ओपन में, यहाँ पर शॉट्स पड़ रहे हैं उन लोगों को। टीम नंबर 7 के प्लेयर्स मार रहे हैं, बादशाह जो है 2 प्लेयर्स है, लोग डुओ खेल रहे थे, डुओ बिस्कॉट। इन लोगों को जोन में जाना है। टीम नंबर 7 के बजाते बहुत अच्छा स्प्रे, ऑलमोस्ट 1 HP, और यहाँ पर लेजेंड ने नॉक किया बादशाह को, और यहाँ पर पूरी स्क्वाड क्लियर हो गई लेजेंड ने भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनसेन ईश ने यहाँ पर नॉक किया है किसी को, जीशान इंडिया नॉक होते हुए लेजेंड की तरफ से भाई, बहुत खूबसूरत हेड शॉट मारे ये, बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर ये टीम। और एक को नॉक कर सकते हैं क्या, देखना है। ईशान ने लेकिन मिस किया हेड शॉट वहाँ पर, हेड शॉट का पूरा बंदे को मिस कर चुके हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ ग्लिच में है मुझे लगता है, वो रिच का सपोर्ट है उनको, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। टीम नंबर 25 पीछे से आ रही है, टीम नंबर 1 की पोजीशन थोड़ा सा डगमगा रही है, जोन के अंदर है, लेकिन रिवाइव क्या मिल सकता है टीम नंबर 1 के जो ईशान इंडियन है, लेट्स सी। मिल तो सकता है भाई, लेकिन रिच के नीचे है उनके प्लेयर्स, मुझे लगता है नीचे जाना कितना सेफ होगा। नीचे गए तो नॉक है, आप ऑलरेडी फिनिश हो गए, लेकिन मूव करना, क्या रिवाइव मिल सकता है गाइस? हाँ मिल गया भाई, 1 HP पे रिवाइव मिलते हुए। ओके, तो टीम नंबर 1 भी ऑलमोस्ट ऑफ ऑल बच चुकी है, पूरे प्लेयर्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट एड यूज़ करेंगे ईशान इंडियन। पूरा Level 2 वेस्ट जो है पूरा डैमेज हो चुका है। तो अब अपने टॉप 4 टीम देखते हैं, टीम नंबर 1, टीम नंबर 7, टीम नंबर 15, टीम नंबर 25। टीम नंबर 25 के जो प्लेयर्स है वो ऑलमोस्ट जोन के बाहर है, टीम नंबर 7 है सामने, अगर वो ओपन में आते हैं तो यहाँ पर नॉक होते हैं, यहाँ पर बिना फाइट लिए जोन में आना अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर अयान खान ने RTX चार्ज को नॉक किया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, ओपन में भाग रहे हैं, यहाँ पर स्प्रे आ सकता है और जोन के बाहर मरेंगे। अल्ट्रा जोकर ने देखा, स्पॉट किया किमेराज को, अयान खान कब तक बचोगे जोन के बाहर, लेट्स सी हील कर कब तक हील करे, लेकिन मुश्किल है। टीम नंबर 25 ऑलमोस्ट को गॉन आई थिंक, थंडर इसके यहाँ पर पहाड़ पे से कूद गए और नॉक भी हो गए, यहाँ पर फिनिश हो चुके लेजेंड ने, यहाँ पर उनको मार चुके। और लेजेंड की जो पूरी स्क्वाड है, मुझे लगता है ये जो लेजेंड जैम जैगवार भी यहाँ पर पहाड़ पे से गिर के नॉक होते हुए, भाई साहब ये क्या कर रही है टीम नंबर 1, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 2 प्लेयर्स रिवाइव क्या से कूदे, जैम जैगवार थंडर इसके को देने के वास्ते रिवाइव, लेकिन यहाँ पर जीशा इंडियन भी ट्राई कर रहे, ओ, 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 भाई प्रोन होना चाहिए यहाँ पर। जब आप एक ट्रिक को बताऊँ गाइस, आप जब भी पहाड़ के ऊपर से कूद रहे हो, तो जब भी आप कूद रहे हो तो अगर आपको डैमेज नहीं होना है, तो आप जब कूदते हो नीचे, जब ऑलमोस्ट लैंड के ऊपर लैंड करने वाले होते हो, जब प्रोन का बटन दबा दिए आपको डैमेज नहीं होगा। इतना तो नहीं कि 1 HP पे आ जाए, थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना अभी आप देख सकते हैं। 1 प्लेयर 2 प्लेयर नॉक हो चुके हैं और ऑलमोस्ट ईशान इंडियन भी 1 HP पे थे, तो आप ये ट्रिक याद रखिए। सो भाई ये ट्रिक क्या, 1 लाख तो बनता है। सो अब टीम नंबर 15 और टीम नंबर 7 स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, यहाँ पर अच्छा राइट से फ्लैंक करके आगे बढ़ते हुए टीम नंबर 1 के प्लेयर, लेकिन जा सकते हैं वो, पूरा जा सकते हैं।
टीम नंबर 5 थंडर इसके भी यहाँ पर नॉक होते हुए जैम जैक बार फिनिश होते हुए जोन के बाहर। यहाँ लेजेंड के प्लेयर सामने ओपन में है, यहाँ पर मार सकते हैं जीशान इंडियन जो है, माना चाहिए भी। और भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर दूसरे भाई, क्या आराम से मार सकते थे भाई। तो यहाँ पर अपने टॉप टू टीम से लेजेंड की टीम और टीम नंबर 7 टीम इनसेन 3 vs 4 विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। लेजेंड की जो स्क्वाड है वो जोन में है, थोड़ी सी देर अगर वो वेट करके खेलता, और लेजेंड की टीम ने लेजेंड को नॉक किया और मुझे लगता है वो फिनिश भी हो जाएंगे। हाँ वो फिनिश भी हो गए, लेजेंड शारू ने लेजेंड को मारा है। मुझे लगता है सेम स्क्वाड है भाई, ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड है, लेजेंड टीम लीडर लिख रहा है मुझे, और ये इनकी पूरी स्क्वाड। टीम नंबर 7 के वास्ते थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो लोग जोन में नहीं है, जोन में आए तो भी एक ही कंपाउंड है तो छोटा सा है, तो रश करने के वास्ते भी। यार नेड आया, अल्ट्रा जोकर यहाँ पर भाई कुछ भी कर सकते हैं, भाई कुछ भी कर सकते हैं। एक और एक प्लेयर को नॉक किया यहाँ पर अल्ट्रा जोकर, बहुत अच्छा खेलते हुए आरडीएक्स शाज आगे बढ़ते हुए पूरा रश कर रहे हैं यहाँ पर लेजेंड की स्क्वाड पर। एक प्लेयर यहाँ पर रिवाइव दे रहा है, आरटीएक्स शाज क्या करेंगे, रिवाइव छोड़ दिया उन्होंने शारों ने, और यहाँ पर बहुत अच्छे से नॉक किया है ईशान, यहाँ पर फिनिश भी कर देंगे, लेकिन एक ही प्लेयर बाकी है। और यहाँ पर जी चिकन डिनर टीम इनसेन, वेल प्लेड गाइस, कल भी चिकन डिनर मारा था टीम इनसेन में और आज भी मारा है टीम इनसेन ने, और अब तक के अपने कस्टम में से जो हाईएस्ट किल्स है वो निकाले अल्ट्रा जोकर ने, विच इज़ 13 किल्स विच इज़ वेरी ऑसम टू सी। सो गाइस अगर आपको भी खेलना है डेली कस्टम्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, ज्वाइन कीजिए डेली बेसिस पे, डेली 9 PM कस्टम होता है, आप लोग अपनी स्क्वाड को रजिस्टर कराइए और हमारे साथ डेली खेल सकते हैं कस्टम रूम्स। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स एंड दिस स्ट्रीम नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।